subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Fine guys, तो आज का हमारा सबसे पहला टारगेट है देयर. बहुत कमाल की चीज़ है. तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो देयर है एक्चुअली क्या होता है. एक्चुअली देयर एक एडवर्ब होता है. एडवर्ब होता है जो किसी दूर के, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, लोकेशन को दिखाने के लिए यूज होता है. दिखाने के लिए यूज होता है ये जो देयर है. इसको हाईलाइट करते हैं. सपोज दैट अगर यहां पर एक लड़की है और मैं कह रहा हूं कि भाई देखो तुम्हारा जो दोस्त है ना वहां है तुम्हारा दोस्त, तो मैं यहां पे खड़े होकर के इस लड़की से कह रहा हूं कि देखो देखो ये प्रिया देखो ना तुम्हारा दोस्त वहां है. तो यानी कि मैं ये वहां जो बोला ये लोकेशन हुआ कि नहीं हुआ मेरा? हुआ ना लोकेशन, एक जगह हुआ. यू नो ऊपर से नजदीक है कि दूर है? ये दूर है. तो किसी दूर के लोकेशन को दिखाने के लिए हम देर का यूज करते हैं. पहला यूज जो देर बता रहा हूं कि देर क्या चीज है. ऑडियो सब कुछ सुनाई दे रहा है ना साफ? यस सर. तो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि तुम्हारा दोस्त वहां है, योर फ्रेंड इज देयर. इसकी हिंदी हो गई कि तुम्हारा दोस्त वहां है. इट मींस कि ये देयर एक लोकेशन है. इस देयर की जगह हम ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हारा दोस्त कमरे में है, तो मैं देयर हटाता कि नहीं हटाता? मैं बोलता योर फ्रेंड इज इन द रूम. यू नो इन द रूम, इन द रूम मेरा क्या हो गया, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया. लेकिन दिखा क्या रहा है? लोकेशन ही ना. यस सर. तो ये देयर क्या दिखा रहा है? लोकेशन दिखा रहा है. तो देयर एक्चुअली लोकेशन दिखाने के लिए बना है. तो ये वाला देयर तो सबको पता होता है. यू नो कि देखो ना तुम्हारा दोज का, दोज का काम आता है. फिर आएंगे आएंगे करेंगे 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 उस पर. एक बार देयर से एक बार हट जाए सारे सवाल आपके, मैं दिस दैट दोज सब करा दूंगा. देखिए गाइस, तुम्हारा पेन वहां है, अगर ऐसा बोलना है तो कैसे होगा? योर पेन इज यार मैं वहीं, मैं तो वहीं पर थी. आई वाज देयर. कैसे बोलेंगे? आई वाज देयर. अच्छा कल तुम वहां थे ना, कल तुम वहां थे. ओहो यू वर देयर यस्टरडे. यू वर देयर यस्टरडे. ओके. अरे हाँ वो दोनों वहीं पर थे. यस. वो दोनों, बोथ ऑफ देम वर देयर यस्टरडे. बोथ ऑफ देम मतलब वो दोनों वर देयर यस्टरडे. एक्चुअली यार मेरी मम्मी कल वहां थी. माई मदर वॉज देयर यस्टरडे. आज मेरे पापा वहां है. माई फादर इज देयर टूडे. तो ये देयर तो गाइज लोकेशन दिखा रहा है. यहां तक तो एकदम क्लियर है. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है लेकिन हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं. तब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करते हैं. और देयर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होता है. बहुत बड़ी बात मैंने लिखी है, इसको ध्यान दीजिएगा. क्या लिखा मैंने? कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं. रूम लिख दिए हैं सर, सब्जेक्ट के रूम में. सब्जेक्ट के रूप में, रूप रूप में, रूप में है वो, कोई बात नहीं. अच्छा तो ऐसे बाद में अगर, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं. ये हाईलाइट हो गया. क्या है कि हम किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस हमें करना होता है, ये भी हाईलाइटेड हो गया. कहीं भाग गया क्या? हाँ ये रहा, ठीक है. ये भी हाईलाइटेड हो गया.
ओके फिर है कि देयर का यूज, देयर का यूज करते हैं और देयर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग पे फोकस कीजिएगा, कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं कि एक लड़की है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने इतने सारे डायलॉग्स बोले, मैं इन सारे डायलॉग्स को तो ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मैं फंसूंगा कहाँ पर, यहाँ फंसूंगा। एक लड़की है, अब अगर कोई बोले कि इसको, मैं आखिर इंट्रोड्यूस किसको कर रहा हूँ यहाँ पर, लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यार, एक लड़की है भाई, एक लड़की है गजब की खूबसूरत है। अब मैं जब ट्रांसलेट करूंगा तो मैं एक को बोलूंगा ए, लड़की को बोलूंगा गर्ल, और चूंकि वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है तो मैं इज लगाऊंगा, तो क्या सेंटेंस मेरा बनकर तैयार हो गया, बताइए तो। रॉन्ग है, मतलब ही नहीं कि बन जा अ गर्ल इज। मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूँ, क्यों खाली गर्ल लगा दूँ क्या, गर्ल इज ए, तब भी अधूरा है ना, अधूरा, तब भी रॉन्ग है। आप कुछ भी कर लो, आप इस सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक लड़की है, दो लड़के हैं, पांच कुर्सियां हैं, यहां पर देख लो एग्जांपल, देख लो सिचुएशन, पहले देख लो सिचुएशंस, कोई भी यहां पर काउंटिंग हो और उसके बाद आप यहां पर कोई भी नाउन लगा दो। काउंटिंग मतलब एक लड़की है, दो लड़के हैं, यू नो, पांच कुर्सियां हैं, दस समोसे हैं, ओके, एक पिज्जा है, इस तरह से सिचुएशन समझ में आ जाएगा। तो अब यह बना नहीं पाओगे। इन हालातों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चाहिए जो इंट्रोड्यूस कराने के लिए काम आए, बस लग जाए और साथ दे दे। तो उस सब्जेक्ट का क्या नाम है जी, देयर। देयर, यहां देयर का अपना मीनिंग नहीं होता है, अपना कोई मतलब नहीं होता, कभी इसको वहां वहां समझ लो, इसका कोई मतलब नहीं, जीरो मीनिंग है इसका। अब हम देयर रखेंगे, देयर को हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं कि देयर, जैसे ही शी ऐसे होता है ना। अब हम यहां पर आराम से इज लगा सकते हैं, हम यहां पर आर लगा सकते हैं, पास्ट होगा तो वाज लगा सकते हैं या वर लगा सकते हैं। उसके बाद हमें जिसको इंट्रोड्यूस करना था उसको हम यहां पर रख सकते हैं, उसको अगर वो नाउन है मतलब पूरा का पूरा नाम है तो पूरा का पूरा नाम बताएंगे, यू नो, या हम कोई कॉमन नाउन है जैसे गर्ल है, बॉय है, तो ऐसे बोलेंगे। हम देर इज चिंटू भी कह सकते हैं, देर इज पिंटू भी कह सकते हैं, बट जनरली हम क्या बोलते हैं, गर्ल, बॉय, हम बोलते हैं चेयर, यू नो, इस तरीके से हम उसका नाम यूज करेंगे, ये रख देंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई एक लड़की है यार, एक लड़की है वो बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत कौन है, मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लड़की को, तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूँगा, देयर से, भाई देयर इज अ गर्ल, तो इस देयर का मतलब कोई वहां नहीं है कि वहां एक लड़की है, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, ये बस एक सपोर्टर की तरह खड़ा है, एक सपोर्टर बना हुआ है, यानी कि कोई बंदा शराब पी करके लुढ़का हुआ है, कोई आकर के उसे हेल्प करके घर तक ले जाए, बस हेल्पर का काम कर रहा है, ओके, घर में सोएगा यही बीबी, इसी का इंतजार कर रही है, कुछ भी नहीं है, ओके, हेल्पर है बेचारा। तो देयर यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आया, देयर इज अ गर्ल। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा यहां पर, एक मिनट, अगर अगर मैं नोट लिख देता हूं, देयर से इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर आप उस
सब्जेक्ट का लोकेशन दिखाना चाहे, लोकेशन समझते हैं ना, वो कहां पर है, यू नो, लोकेशन दिखाना चाहे चाहे, तब आप प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए जो लोग नए बच्चे हैं, देखिए क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये होता है जैसे इन द रूम, प्रेपोजिशन लगा होगा, यू नो, इन माय ऑफिस, ऑन द रूफ, विद मी, विद दैट बॉय, बिसाइड माय हाउस, बिहाइंड द टेंपल, इन फ्रंट, क्या बोलते हैं, इन फ्रंट, इन फ्रंट, हाँ, इन फ्रंट ऑफ मी, ईटीसी, ये सब क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या दिखा रहे हैं ये, लोकेशन, क्या दिखा रहे हैं, लोकेशन, लोकेशन मतलब वो जगह जहां पर वो मेरा सब्जेक्ट है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अगर मुझे प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाना है तो क्या मैं नहीं लगा सकता हूं, मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया देयर इज अ गर्ल, लेकिन देयर इज अ गर्ल को था है वेयर, लोकेशन दिखा सकता हूं मैं, हाँ या ना, दिखा सकता हूं, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाऊंगा। तो मुझे बोलना है कि देयर इज अ गर्ल मेरे ऑफिस में, क्या हो जाएगा, इन माय, इन द ऑफिस, माय ऑफिस। तो अब मैंने लड़की को इंट्रोड्यूस किया और लड़की की जगह भी बता दी कि वेयर, कुथाए, किधर, कहां, मेरे ऑफिस में है, वे, देयर इज अ गर्ल इन माय ऑफिस। बड़ी, अगर मैं कहता हूं देयर आर फोर एप्पल्स, तो मैंने एप्पल्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन क्या मैंने लोकेशन बताया इसका, नहीं बताया ना, तो मैं बताऊंगा क्या, बे मेरे फ्रिज में, बे मेरे फ्रिज में, इन माय फ्रिज, ये मैं लोकेशन बता रहा हूँ। तो लोकेशन मैं किससे बता रहा हूँ, प्रेपोजिशनल फ्रिज लगा रहा हूँ, लोकेशन हो गया। फिर मैंने अभी कहा कि हम एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस से भी लोकेशन बताते हैं, बताते हैं। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, देयर, हेयर, समवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, अप, डाउन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, इन, इटीसी, ये सब लोकेशन बताने वाले हैं। तो अब जरा कमर की पेटी बांध लीजिए, देयर इज अ गर्ल, मैंने अब यहां पर क्या yes. किया, इंट्रोड्यूस किया कि नहीं किया, यस और नो, क्या मतलब, yes, yes, एक लड़की yes. है, अब मैं यहां पर उसकी लोकेशन दिखा रहा हूं, मैंने लोकेशन में एक एडवर्ब यूज किया देयर, बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक लड़की वहां है, तो अब आपका मन घबराएगा तो नहीं कि आइला दो बार देर लगा दिया, गलत है, ऐसा तो नहीं करेगा दिल, यहाँ पर जो देर है इसका कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ जो देर है इसका मतलब है वहाँ, समझ रहे हो, कि एक लड़की है बट किधर, ये देखो उधर, देर इज अ गर्ल देयर। तो सुनने वाले को लगे आइला दो बार देर लगा रहा है, पागल हो गया है क्या, पागल नहीं है वो सही है, एक देर से इंट्रोड्यूस कर रहा है और एक देर से लोकेशन दिखा रहा है, क्लियर, लोकेशन दिखा रहा है। तो यहाँ यहाँ मैं लिख दूँ कि जो पहला देर है, जो फर्स्ट देर है, फर्स्ट देर, ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और जो यहाँ देयर नंबर सेकंड है, ये क्या कर रहा है बॉस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाँ जी, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब ही लोकेशन होता है ना, क्या दिखा रहा है, शोइंग द लोकेशन, लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, लोकेशन दिखा रहा है। और जो काउंट है वो मैंडेटरी है सर, ऐसे एक लड़की दो समोसा, काउंट जो है मैंडेटरी है सर, आखिर कैसे बोलोगे, जो काउंटेबल आइटम उसको बोलोगे ना, हाँ
अगर सर ऐसे बोल जो जैसे अगर अनकाउंटेबल को भी यूज कर लो ना, जैसे दूध दही को काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसे बोल दो। हाँ सर, तो वो भी बन सकता है सर। बिल्कुल ये मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सिर्फ काउंटेबल को ही बताया है। देखो भाई, अनकाउंटेबल नाउन को भी देयर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दूध है, बस इतना मुझे बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? देयर इज मिल्क, हो गया। अब मुझे इसका लोकेशन भी दिखाना है कि देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। अब इन द फ्रिज ये लोकेशन हो गया, मैं लोकेशन दिखा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ देख भाई वहां पे दूध है, तो देयर इज मिल्क देयर। देख भाई यहाँ पे दूध है बे, देयर इज मिल्क हेयर। ओके, देयर इज मिल्क इन द किचन। अप स्टेयर्स मतलब ऊपर जा, सीढ़ियों से ऊपर जा, ऊपर होगा, यू नो, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब लोकेशन दिखाने सर, वाले वर्ड्स है। सर अगर डैट लगाएंगे तो डैट इज मिल्क सर, तो भी सर सेंटेंस सेम रहेगा क्या सर? डैट इज मिल्क से सर जी हम इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, कोई दूध रखा हुआ है और हम यहाँ खड़े होकर इशारा कर रहे हैं, देख दैट इज मिल्क, वो दूध है और इधर वाला दही है, देख दैट इज कर्ड, एक अलग चीज होता है। मुझे सर, उसमें अंतर क्या रहेगा सर? देयर इज अ गर्ल एंड दैट इज अ गर्ल। चलिए गाइस मैं इनको अंतर समझाता हूँ, आइए। मैं नहीं चाहता था कि मैं भागू टॉपिक से, बट चलिए। डिफरेंस बिटवीन देयर एंड दैट देख लीजिए भाई, क्या पता और लोगों के काम आ जाए। देखिए अब इसके लिए बहुत लंबा चलना पड़ेगा। दिस और दैट, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो कहीं कोई चीज़ है उसको इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं, इशारा उसकी तरफ इशारा करके किसी का ध्यान खींचने के लिए यूज़ करते हैं। दिस का मतलब होता है वन आइटम हो और वो नज़दीक हो। दैट का मतलब होता है वन आइटम हो और वो दूर हो, फार हो। मैंने कहा कि कोई चीज़ पहले से है और हम बस ध्यान खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर उसकी सहेली है, ये दो लोग यहाँ पर है और यहाँ पर एक लड़का है, दूर है। अब ये लड़की कह रही है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और यहाँ पर मान लो कि कोई आदमी भी है, कोई महिला भी है। अभी कह रही कि सुन ना मैं ना उस लड़के से प्यार करती हूँ, तो ये आखिर किसी लड़के की तरफ इशारा कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है ना ये? यस सर नो, बताते रहिए। यस सर, इशारा कर रही है। यस सर, यस सर। और ये लड़की कह रही कि अच्छा तू तो उस लड़के से प्यार करती है, मैं तो इस छोटू से प्यार करती हूँ, बगल में कोई छोटू खड़ा है, मैं तो इस छोटू से प्यार करती हूँ। तो ये नज़दीक में खड़ा है, तो इसको इशारा करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? छोटू से पहले दिस छोटू, इसकी तरफ इशारा करना है तो दैट बॉय, ठीक है? तो इशारा करने के लिए यूज होता है। तो कैसे बोलेगी? वैसे बोलेगी कि आई लव, मैं प्यार करती हूँ। अब उसने इशारा किया दैट, जैसे दैट बोलेगी जो भी उसके बगल में खड़ा होगा उसकी निगाहें कहाँ जाएंगी? कहीं दूर जाएंगी, कि दैट मतलब किधर इशारा कर रही है? दैट। अब उस दैट के बगल में, यहाँ दैट एडजेक्टिव है, इस दैट के बगल में उसे क्या लगाना है? एडजेक्टिव अपने बगल में क्या लेता है? नाउन लेता है, लेता है ना? नाउन। तो अब ये बोलेगी आई लव दैट बॉय,
तो ये तुरंत देखेगी, अच्छा अच्छा कोई लड़का खड़ा है और उसकी तरफ मुझे इशारा कर रही है, नो आई लव दैट बॉय, इस तरीके से बोलेगी। और ये कह रही है कि मुझे यार इस लड़के से प्यार है, आई लव दिस बॉय, दिस बॉय खड़ा है। ओके अगर मैं कहता हूँ कि गिव मी, मुझे दे दो, ओके गिव मी दैट बॉटल, तो यानी कि मैं उसे क्या कहना चाह रहा हूँ, दूर बॉटल है, यहाँ पर कोई बॉटल मुझे दे दो, यहाँ पर कोई बॉटल है और मैं यहाँ हूँ और यहाँ मैं किसे कह रहा हूँ कि गिव मी दैट बॉटल, ओके और ये मुझे ये वाला बोतल दे रहा है, नजदीक में बोतल, मैं कह रहा हूँ नो नो नो, डोंट गिव मी दिस बोतल, गिव मी दैट बोतल, दैट बोतल। तो अब मैं कह रहा हूँ कि डोंट गिव मी दिस बोतल। अब ये भाई साहब जैसे कह रहे थे कि क्या अंतर है, मैं यहाँ पर देयर लगा दूँ, तो चलिए मैं यहाँ देयर लगा देता हूँ। अब जरा बताना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, गिव मी देयर बोतल सही है क्या, ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, बात को समझिए। तो गिव मी दैट बॉटल, तो हम दिस विंडो दैट हाउस, ये किसके लिए बना है, लोगों का ध्यान खींचते हैं कि वो चीज, वो जो नाउन है वो कहाँ है, नजदीक है या दूर है, एक है या एक से ज्यादा है, एक है तो दिस दैट चलेगा, एक से ज्यादा है तो दीज और दोज भी चलेगा। यहीं पर देख लीजिए, किसी भाई साहब ने दीज और दोज भी कहा था, दीज का मतलब है मोर देन वन और नजदीक, दोस्त का मतलब है मोर देन वन बट क्या होगा, दूर होगा, जैसे सोनिया मुझे चाय पिला, ओके और सोनिया वो वाला दूध यूज करना तो क्या होगा, यूज दैट मिल्क, समझ में आ रहा है, ओ गॉड। चलिए ये देखिए, यहाँ पर दो या तीन लड़कियां खड़ी हैं, ये है, ओके यहां पर एक लड़का कह रहा है मैं उन लड़कियों से नफरत करता हूं, किन लड़कियों से भाई, इशारा कर रहा है किधर है लड़कियां, वो उन लड़कियों से ऐसे करके बोल रहा है, तो दूर है, एक से ज्यादा है, अब दैट गर्ल बोलेगा या दोस गर्ल्स बोलेगा, और यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, हाँ कह रहा मैं यार इन लड़कियों से प्यार करता हूँ, इन लड़कियों से, अब कैसे लड़कियों को दिखाएगा, दीज गर्ल्स, तो लड़कियां नाउन है, लेकिन ये नाउन दूर है या नजदीक है, इसके लिए एक शब्द लगाना है, वो शब्द क्या है, दीज या दोज है, प्लूरल के लिए, तो अभी कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि सुनना मैं उन लड़कियों से नफरत करता हूँ, आई हेट दोज गर्ल्स, इशारा करेगा, तो ये देयर थोड़ी है, देयर गर्ल थोड़ी हो जाएगा, देयर एक देयर के अंदर कोई इशारा नहीं, देयर के अंदर बस ये है कि हम ऐसे बैठे हैं, कह रहे भाई क्या बताऊं यार, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, तो मैं एक लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो लड़की कहाँ है, वो लोकेशन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर है, मेरे ऑफिस में एक लड़की, इंट्रोड्यूस कर, मैं बिना लोकेशन के भी तो बता सकता हूँ, यार एक लड़की है जिसने मुझे दुखी कर रखा है, बोल सकता हूँ ना, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लड़की है जिसने मुझे दुखी कर रखा है, तो क्या मैं यहाँ पर दैट लगा के इशारा कर दूँ, देख वो वाली है, no, नहीं ना, no, no, कोई इशारा नहीं है, वो उस बच्चे को जिसे मैं बात कर रहा हूँ, सपोज ये मैं हूँ, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ कि भाई क्या बताऊँ यार, भाई एक लड़की है यार, और यहाँ जो मुझे सुन रहा है वो सिर्फ ये सुन रहा है कि एक लड़की है, मतलब एक लड़की एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, लेकिन वो इधर खड़ी है कि उधर खड़ी है, दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है नहीं, क्या मैं इसे इशारा कर रहा हूँ, देख वो वाली लड़की, इशारा भी नहीं कर रहा हूँ मैं, इशारा करूँगा तो दैट हो जाएगा, नज़दीक होगी तो दिस हो जाएगा, बस मैं इसको इतना कह रहा हूँ कि भाई एक लड़की है, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो किधर है कोई पता नहीं चल रहा है, हाँ मैं इतना कह सकता हूँ भाई एक लड़की है मेरे ऑफिस में, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इन माय ऑफिस, अधिक से अधिक में ये लोकेशन दिखा सकता हूँ, तो दिस और दैट से तो जुदा है ना, ये समझ रहे, नहीं समझ रहे, तो मुझे बोलना है कि एक लड़की है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि दैट इज अ गर्ल,
ये बोलू कि देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, सही है ये सही। दैट बोलते तो मैं इशारा करने लगूंगा, देख 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 वो इशारा करने लगूंगा, ये हमारा करेक्ट है। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल और दैट इज अ गर्ल, हमारा अभी इस सेंटेंस के हिसाब से रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अगर मैं दैट बोलूंगा फिर मैं इशारा कर रहा हूँ कि देख देख वो दूर, किसी की नजर दूर चली जाएगी। अच्छा अब आइए गाइस, इसलिए जब एक टॉपिक चले तो एक ही पे रहिए, नहीं तो इधर उधर घूम जाता है। हाँ। याद रखिए। यस सर। अब है कि हम जब इसका नेगेटिव करेंगे, देयर का नेगेटिव, तो हम कैसे यूज करेंगे? कोई कोई अपने बारे में बता रहे, यार मेरे ऑफिस में ना भाई 5 लड़के हैं, मेरे में तो यार 5 महिलाएं हैं, मेरे में 5 लड़कियां हैं। एक ने बोला हाँ मेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं है, तो यानी कि नेगेटिव चाह रहा है वो, कोई लड़की नहीं है। वो कैसे बोलेगा? देयर तो लगाना पड़ेगा, देयर इज नो गर्ल, गर्ल भी बोल सकता है, नो गर्ल भी बोल सकता है और नो गर्ल्स भी कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नो गर्ल या नो गर्ल्स इन माई My office. अगर वो not बोलेगा कि there is not, तो फिर not के साथ problem है, not के साथ आपको a या n या any लगाना पड़ेगा, you know? तब कैसे बोलेगा? यहाँ पर noun लगाएगा कि there is not any girl in my office. याद रखिए, not any तो हो जाएगा, no any नहीं होता है, कभी no any मत बोल देना। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि देयर इज नो एनी गर्ल, जरा ऑडियो ऑफ कर, एक ऑडियो ऑफ कर लीजिए, नो प्लस एनी हो जाएगा फनी, ठीक है सर? नो वन बोलते हैं ना, देयर इज नो वन, हाँ वो बोल सकते हैं। मैं नो और नॉट का डिफरेंस बता रहा था। ओके चलिए, तो मुझे बोलना है कि अरे दूध नहीं है, दूध नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा? There is no milk. Okay. अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एनी लगाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? There is not any problem. ठीक है, अगर एनी लगाना है तो भैया नॉट का सहारा लेना पड़ेगा, याद रखिए नो एनी नहीं होता है। अब अगर कोई सवाल पूछे, ये जो देयर है आपके घर में इतना यूज होगा ना, आप देख लेना, बिना देयर के आपका एक दिन नहीं कटेगा, इतना देयर का यूज है। सुबह उठते, अरे चाय पत्ती नहीं है, क्या बोलोगे? आपने फ्रिज खोला, बोला अरे धनिया का पत्ता नहीं, जाओ ले आओ, कैसे बोलोगे? अब इंट्रोगेटिव में परमेश्वर पूछ रहे हैं, अरे सुनो दूध है क्या, बनाओ ना थोड़ा चाय। जो परमेश्वर मतलब पति, ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन में कैसे होगा? इज देयर, अच्छा पास्ट होता तो क्या हो जाता? और यहाँ पर जो भी नाउन पूछ रहे हैं वो नाउन लगा दो, तो अरे दूध है क्या, दूध है क्या, कैसे होगा? Is there any milk? इस पूरे का मतलब हो गया कि दूध है क्या? अच्छा वो भाई साहब लोकेशन भी खुद बता रहे, अरे देखो भगौने में दूध है क्या? अब जो भी कहते हो सस्पेन, क्या बोलते हैं, सॉस पैन और पॉट, व्हाटएवर, भगौना ही कहते हैं। अब वो बोले कि अच्छा देखो बाथरूम में मेरा फेवरेट शैम्पू है क्या, तो कैसे हो जाएगा? इज देयर इन द बाथरूम।
तो आप लोकेशन के साथ बोलो, बिना लोकेशन के बोलो, आपके ऊपर है। अच्छा फ्यूचर वाला नहीं है, विल बी वाला। आएंगे आएंगे आएंगे, थोड़ा प्रेजेंट पास्ट कर। अच्छा सर, जो एनी होता है वो सर काउंटेबल नाउन फॉर्म। कुछ ऑडियो ऑफ कराता हूं, रुकिए जरा, बाकी लोग ऑफ कर लीजिए। हां मनीषा बोलिए। सर आई एम आस्किंग कि एनी जो होता है ये काउंटेबल नाउन का ऑन अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है सर? हां दोनों के साथ जाएगा, लेकिन जब हां एक्चुअली कभी ना आपने पढ़ा है डिटरमिनेंट्स का नाम सुना है कि बच्चों ने? कोई बात नहीं, आगे मैं सब डिटेल में भी समझाऊंगा। अच्छा हाँ मैं क्या कह रहा था कि इस पर थोड़ा सा फोकस करना, कुछ लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं। एक वर्ड आता है गाइस हाउ मेनी, सबने सुना होगा हाउ मेनी। काउंटेबल के लिए काउंटेबल क्या लगता है? काउंटेबल काउंटेबल, यानी कि मैं यहाँ पर मैं जो भी रखूंगा वो क्या रखूंगा? काउंटेबल नाउन रखूंगा। जैसे मैं बोलूंगा हाउ मेनी बॉयज, कह सकता हूँ यू नो हाउ मेनी गर्ल्स। समोसे गिन सकते हैं ना? हाउ मेनी समोसा, हाउ मेनी ब्रेड। ब्रेड के साथ भी पीसेस लगाना पड़ेगा, ब्रेड नहीं गिन सकते ना, पीसेस करना पड़ेगा। हाउ मेनी मैंगोस। हां तो ये सब काउंटेबल है। अब लोग कहां पे फंसते हैं, ऐसे मैंने बोला कि कितने, ध्यान देना, अभी बिना लोकेशन वाला है, मैं लिख देता हूँ विदाउट लोकेशन, विदाउट लोकेशन मैं कहता हूँ कितने मैंगोज हैं, तो पता है क्या होगा? हाउ मेनी मैंगोज। अब लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ देयर को स्वीकारना नहीं चाहते। अरे भैया इंट्रोगेटिव है तो देयर तो भागेगा ना पीछे, इधर भागेगा। आप देख रहे हो देयर तो बेचारे भागेगा, कैसे सब्जेक्ट ऐसे भागता था कि क्या तुम्हारे पापा एक डॉक्टर है तो इज योर फादर होता था ना ऐसे, देखो इज पहले आ गया तब फादर आया, तो उसी तरीके से आर पहले आएगा बाद में देयर आएगा। तो कुछ लोग ये देयर लगाना भूल जाते हैं। तो कितने मैंगोज हैं, इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर। अब आप में से जो देयर खा जाएगा, जिसको भूख लगी हो आम खाइए, देयर क्यों खा रहे हैं, तो हाउ मेनी मैंगोज आर करके आप चुप हो गए, तो क्या ये सही माना जाएगा? इनकम्प्लीट है ये। ओके अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ विद लोकेशन, ध्यान दीजिएगा। आप अगर किताब में ढूंढोगे, इतने बारीकी से नहीं लिखा रहता है मैडम, देख लीजिएगा किताब, ठीक है? यस सर, इतने मैंगोज हैं, इसको आराम से सीख लीजिए। अब मैं कहता हूँ कि फ्रिज में, फ्रिज में, मैं लोकेशन फ्रिज को पहले दिखाता हूँ कि फ्रिज में कितने मैंगोज हैं। तो पहले तो बोलूंगा हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, मैंगोज आर देयर। अब मैं यहाँ पर लोकेशन लगाऊंगा, अब मुझे यहाँ पर चाहिए लोकेशन इन द फ्रिज। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, आर देयर इन द फ्रिज। अब आप में से जो कुछ महान लोग हैं अपने ऊपर ले लीजिएगा, जो भी महान होगा वो कैसे करते हैं, हाउ मेनी मैंगोज आर वो देर खा जाते हैं, क्या बोलते हैं? इन द फ्रिज। यस सर, आप फैसला कीजिए कि आप में से कौन महान था, ठीक है? नहीं सर, हम नहीं। सर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे रैपिड फायर होता है कि तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, तो उसमें भी तो फंस गए। मेंबर्स आर देयर, उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि भाई बहुत ध्यान से देखिए, बारीकी से समझिए, हौले हौले फूक फूक ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, रिलैक्स विदाउट लोकेशन। जैसे कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ इतने की इंग्लिश क्या होनी चाहिए, दिल से बताइए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। मतलब आपको कहीं ना कहीं देर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा बॉस,
देयर तो चाहिए। अब मैं इसके अंदर लोकेशन लगाता हूँ, विद लोकेशन। अब मैं कहता हूँ तुम्हारे परिवार में, ये लोकेशन हुआ कि नहीं हुआ, परिवार हो गया ना वो जगह, तुम्हारे परिवार में कितने मेंबर्स हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इन योर। अब आप में से जो जो महान लोग हैं, ठीक है, हाउ मेनी सर, तेयर ना लगाने से बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल तो गलत नहीं होगा। अब एक शादीशुदा महिला एक दिन सिंदूर ना लगाए तो ऐसे थोड़ी कुंवारी हो जाएगी, तो गलत तो नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से मतलब प्रथा से हट गए ना, जो प्रथा मतलब सर अगर स्पीकिंग में लोग शॉर्ट में अगर दे स्पीक और देयर को अगर रिप्लेस कर देते हैं तो चलता है, नहीं चलता है, चलता है, चलता है। नो प्रॉब्लम, स्पोकर में मैं लिख ही देता हूँ कहीं पर कि इट इज यूज्ड इन स्पोकर में चलता है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है जी सर। ये कई सर कई जगह सर डू यू हैव आएंगे पजेशन भी लगाते हैं ना सर। बिल्कुल, वो पजेशन में लगाते हैं, वो भी करेक्ट है सर। अगर सेंटेंस ऐसे हुआ वहाँ कितने मैंगोज हैं, तो देखिए ना, तो यहाँ पर दो देयर आ जाएंगे साथ साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर बंदा फंसता है फिर इस सेंटेंस के अंदर, वो मुश्किल में पड़ता है, वो एक ही देर से काम चलाता है और सारे लोग करते हैं जैसे कि। और सर ये वाला सेंटेंस किसी के सामने बोला ना तो वो हमें गलत ही बोलेगा क्योंकि ये दो देर साथ में कैसे आ गए, वहाँ पे वाकई बंदा फंसेगा और नहीं कर पाते लोग। तो वहाँ कितने मैंगोज हैं, अब कितने मैंगोज का तो हो गया कि हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर से अगर उसे लोकेशन लगाना है, अब यहाँ उसको अगर एक लोकेशन चाहिए और लोकेशन भी वहाँ है तो फंस गया ना, दो बार आ गया। तो हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, देयर हो नहीं पाएगा, तो ये नहीं चलता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए आपको सिंगल देयर से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम, हाँ हेयर चल जाएगा लेकिन ये एक जैसा नहीं चल पाएगा, इसलिए लोग सिंगल ही बोलते हैं इसको। यहाँ तो चल जाएगा अपवाद, एक्सेप्शनल क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल। तो अब बताइए कि उस कमरे में कितने लड़के हैं, कैसे बनेगा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दैट रूम, आर देयर इन दैट रूम। उसी तरीके से हमारे पास होता है समवन, हमें कहता हूँ कि यार कोई है, सिर्फ इतना बोलना है कोई है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसी तरीके से होता है नो वन, मुझे बोलना कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, करेक्ट इंग्लिश है देयर इज नो वन, लेकिन लोग बाग स्पोकन में क्या बोल देते हैं, नो वन इज देयर, ऐसा कुछ बोल देते हैं ना, नो वन इज देयर ऐसा बोल देते हैं, बट करेक्ट इंग्लिश है कि नो देयर इज नो वन। अगर इसमें वहां लगा दो कि वहां कोई नहीं है, मान लो वहां कोई उसी तरीके से अगर कोई इंट्रोगेटिव में पूछे तो एनीवन से पूछ सकता है, क्या कोई है, क्या कोई है, ऐसा ही बोल सकता है कि is there someone से भी बोल सकते हैं, बट ये सब उसी तरीके से बोलू कि कुछ नहीं, कुछ नहीं को बोलते हैं नथिंग, अच्छा तो करेक्ट इंग्लिश होती है देयर इज नथिंग, लेकिन लोग स्पोकन में क्या बोल देते हैं, नथिंग इज देयर, ऐसे बोल देते हैं, नथिंग इज देयर, स्पोकन स्टाइल है, हालांकि करेक्ट है देयर इज नथिंग। हाँ, अगर इसमें लोकेशन लगा दे कि वहां कुछ नहीं है, वहां देयर इज नथिंग देयर, देयर इज नथिंग देयर, इस तरीके से बोला जाता है। तो अब गाइस आइए, दो लोग आ जाइए सामने जिनका ऑडियो सही हो, रेखा शिव और मीनू त्रिपाठी, फिलहाल जरा पूछे घुमा करके देर से।